Hey my loves, welcome back to my channel. I hope guys you all are doing extremely great. So guys, मैं आज ये ब्यूटिफुल सा नो मेकअप मेकअप लुक आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. और स्पेशली मैंने ये लुक राखी के लिए क्रिएट किया है और उन लोगों के लिए क्रिएट किया है जो ज़्यादातर नो मेकअप मेकअप लुक प्रेफर करते हैं मेरी तरह. सो मैंने अगेन आप लोगों को हाई करा और मैं अभी सबसे पहले स्किन केयर से स्टार्ट कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पर फेस वॉश कर लिया था. टोनर के लिए मैं रिकोट का मॉइस्चराइजिंग स्प्रे ले रही हूँ फॉर ग्लोइंग स्किन. ये इनरिच विथ है वाटरमेलन सीड एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, ग्रेप सीड एंड आलमंड ऑयल. ये पैराबिन फ्री है, ऑल स्किन टाइप है. साथ ही साथ इसमें SPF 25 भी है, तो आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है. बस इसे स्प्रे करिए एंड यू आर सॉर्टेड. बहुत अच्छा लगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे यूज़ करा और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इसमें जैसे लिखा हुआ है ना मॉइस्चराइजिंग स्प्रे, तो सही में ये टोनर की तरह ही है ये. बट आप इसको जैसे ड्राई होने देते हो ना, तो उसके बाद आपका स्किन क्या है ना एकदम मतलब हाइड्रेटेड होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. मॉइस्चराइजर के लिए मैं अगेन रिकोट का वाटर क्रीम ले रही हूँ विथ हैलुरोनिक एसिड 1.5%, नियासिनामाइड है इसमें 1%, ग्रेप सीड ऑयल है एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है. ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, जैसे नेम है वाटर क्रीम, ये सही में एकदम वाटर लाइक इसकी कंसिस्टेंसी है. एकदम इंस्टेंटली ये एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में और ऑन द अदर हैंड ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है आपके फेस को. सो मैंने डॉट डॉट करके अपने फेस पर लगा लिया और बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन में इसे ब्लेंड कर लिया. आप देख सकते हो बहुत मतलब इंस्टेंट ये एब्जॉर्ब हो जा रहा था और बहुत अच्छा सा ग्लो ये प्रोवाइड कर रहा था. सो स्किन आप देख सकते हो कितना बेटर लग रहा है और साथ ही साथ ये बिल्कुल भी चिपचिपा ग्रीसी नहीं था. फिर इसके बाद बारी आती है लिप्स की, तो लिप्स के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अगेन रिकोट का लिप एंड चिक टिंट. तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, ऐसे प्लास्टिक ग्लास कंटेनर में इसकी पैकेजिंग आती है और इसका कलर इतना अमेजिंग है, एकदम नेचुरल लगता है लिप्स पर लगाने पर. सो आप देख सकते हो मैं लिप्स पर लगा रही हूँ और कितना सही इसका पे ऑफ है, एकदम नेचुरल लग रहा था. और इसी लिप टिंट से मैंने आज अपना लिपस्टिक, आई मेकअप और ब्लश ऑन किया है, जो कि बहुत ही एकदम अमेजिंग लग रहा था. तो आगे वीडियो में आप लोग देखिएगा. ये तीनों प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो मेक श्योर आप चेकआउट ज़रूर करिएगा क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे, तीनों प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग था. सो फिर मैंने अभी यहाँ पर अपना फेस को प्राइम कर लिया, जो कि वो भी एकदम मस्त है. फिर उसके बाद मैं आज कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई भी बीबी क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और जहाँ भी मेरा जैसे थोड़ा डार्क एरिया है वहीं मैं लगा रही हूँ और जहाँ पिंपल्स के मार्क्स हैं सिर्फ वहीं पे लगा रही हूँ. और ये जो कंसीलर है ना एकदम मेरे स्किन टोन से मिलता जुलता ही कंसीलर है. थोड़ा सा फोरहेड मेरा डार्क है, बाकी जो इंटायर फेस है उससे मिलता जुलता है. फोरहेड मेरा थोड़ा डार्क है, थोड़ा टैन हो चुका है फोरहेड पे. और कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पर एल्फ का कंसीलर लिया हुआ है. ये कंसीलर बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और एक वाटरप्रूफ कंसीलर भी है, सो इसलिए मुझे ये कंसीलर बहुत अच्छा लगता है. कोई क्रीज लाइन कुछ नहीं पड़ते हैं, बस क्या है ना कि बहुत जल्दी जल्दी इसे ब्लेंड करना पड़ता है क्योंकि इसका जो कवरेज बहुत हाई है, सो इस वजह से क्या है ना वो जल्दी ड्राई हो जाता है. फिर मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना इंटायर फेस को सेट कर ले रही हूँ. फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज़ को एकदम स्लाइटली फिल कर रही हूँ. अगर गाइज अगर आपका क्या है ना आईब्रो अच्छा खासा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो. बट मेरा लाइट है तो मैं आईब्रो को कभी स्किप नहीं करती हूँ, इसे ज़रूर मैं करती हूँ. तो आप देख सकते हो बहुत लाइट हैंड से मैं फिल कर रही हूँ, एकदम नेचुरली फिल कर रही हूँ.
फिर उसके बाद मैंने सेम आईब्रो को एज अ कॉन्टोरिंग करा है, तो उसी से मैंने कॉन्टोरिंग करा है, एकदम ज़रा ज़रा सा मैंने लिया है और उसी से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। तो अगर कॉन्टोरिंग भी आपको नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हो, बस ब्लश आप लगा लो, बस हो जाएगा। बट मेरा कहना थोड़ा सा फेस में फैट है तो इस वजह से मैं कॉन्टोरिंग हमेशा करती हूँ, भले मैं ब्लश लगाऊँ या ना लगाऊँ, कॉन्टोरिंग में आजकल करती हूँ क्योंकि फेस में गाइस बहुत सारा फैट आ चुका है। सो मैंने सबसे पहले ब्रश से ब्लेंड करा अच्छे से, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा बहुत मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करा था, मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया पता नहीं, बट मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करा था। और हाँ, नोज़ को तो करना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ क्योंकि नोज़ क्या है ना, मेरा बहुत छोटू सा है तो इसलिए उसको तो कॉन्टोरिंग करना पड़ता ही है। सो उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लश ऑन कर रही हूँ और मैंने वही लिप एंड चिक टिंट जो था रिकोट का, उसी को मैंने लिया है और उसी से मैं ब्लश ऑन कर रही हूँ। और आप देख सकते हो इतना अमेजिंग पे ऑफ दे रहा था ना कलर पे ऑफ की क्या ही बोलूँ, और बहुत ही ईजली एकदम बटरी सॉफ्ट है गाइज ये, और बहुत अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जा रहा था। और सबसे पहले मैंने क्या करा, ब्रश से ब्लेंड करा, फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करा, फिर सेम लिप एंड चिक टिंट को मैंने लिप्स पर भी लगाया एज अ लिपस्टिक, और इतना सही वाला लग रहा है लिप कलर कि क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा था, एकदम नेचुरल से लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि एकदम मेरे लिप्स ही ऐसे हैं। फिर मैंने सेम लिप एंड चिक टिंट को अपने आईज़ पर लगाया एज अ आई शेडो, और आप कलर देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये कलर, और बहुत अच्छा वाला ये कलर पे ऑफ दे रहा था। सो मैंने एक ही बार लिया और एक ही बार में इतना अच्छा अमेजिंग ये कलर पे ऑफ इसने दिया है। तो ऊपर लगाने के बाद मैंने साथ ही साथ नीचे में भी अपना लोअर लैश लाइन है उधर भी मैंने लगाया ताकि ऊपर नीचे अच्छा सा बैलेंस आउट हो सके। मेरा आई मेकअप कंप्लीट होता है, बस मैं अब यहाँ कोई लाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाने वाली, बस मैं मस्कारा लगाऊंगी वो भी एकदम अच्छे से। गाइस अगर आप लाइनर वगैरह उतना नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं है, बट आप मस्कारा भर भर के लगाओ क्योंकि इससे क्या है ना कि आईज़ आपका एकदम ओपन अप लगता है। तो मस्कारा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बहुत अच्छे से कोट करके लगाइएगा, उसी में आपका आई मेकअप अमेजिंग लगेगा। सो गाइज हेयर इज़ माई फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और ये लुक को आप इस रक्षाबंधन पर क्रिएट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा गाइज, अगर रहा हो देन प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो टिल देन बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।